जावेद सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं यहाँ एहतजाज में आया हूँ क्योंकि ये कौम का जो एक मैंडेट है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी इतनी पॉपुलर है ये तो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में अंदाजा होगा कि ये शहर किसका है। वैसे दावा करने से नहीं होगा, ये शहर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, बल्कि शहर क्या पूरा मुल्क और हर तरफ से जो भी सर्वे हुए, जो भी रिपोर्टें आईं, जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुए, उस सब में इमरान खान के हक ने वोट दिया। और यही वजह है कि यही खौफ है। इस वक्त एक अजीब तमाशा हो रहा है कि 13 जमातें हुकूमत में और एक जमात अपोजिशन में। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वरना एक जमात हुकूमत में होती थी बाकी अपोजिशन में। लेकिन इस वक्त पूरा पाकिस्तान का निज़ाम, क्योंकि करप्शन का निज़ाम खतरे में है और वो सारी PTM की जमातें जो गुज़िश्ता 30-35 साल से इस मुल्क में करप्शन कर रही हैं, इस मुल्क को लूट रही हैं, हमारी आने वाली नस्लों को IMF के पास गिरवी रख रही है, मुल्क का खजाना खाली कर रही है, उन सब का सिर्फ एक शख्स से खौफ है और उसका नाम है इमरान खान। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 15 जनवरी को घर से निकलें, क्योंकि ये आपकी आने वाली नस्लों की बका का सवाल है। ये अपने पेट के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। तो 15 तारीख को निकल के बल्ले पे मोहर लगाएं और खान को कामयाब करें, क्योंकि खान की ताकत इदारे नहीं है, अवाम है और इनकी ताकत इदारे हैं। अब ये फैसला 15 जनवरी का होगा कि इदारे जीतते हैं या अवाम की ताकत। शुक्रिया। हमने अभी तक जितनी भी कोशिश की है वो जमहूरी हिसाब से थी। हमने एहतजाज भी किया, वो भी जमहूरी था। हम जिमने इलेक्शन में भी जीते और रैली भी निकाली और उसमें अवाम ने अपना जो वोट है वो खान के हक में दे दिया है और ये हमें गैर जमहूरी तरीके से करने पे मजबूर कर रहे हैं, जो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस मुल्क से, इस कौम से मोहब्बत है और हम इस कौम की को नीचे नहीं बल्कि ऊपर ले जाना चाहते हैं। जैसा कि आजकल हर आप अपने पड़ोस में देख लें, वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, कुछ हमारे बाद आबाद हुए थे, उनकी मईशत को देख लें, हमारी मईशत को देख लें, उनके रिज़र्व को देख लें, हमारे रिज़र्व को देख लें, जबकि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर वसाइल हमारे मुल्क में, अच्छे मौसम है, मेहनत कश अफराद हैं, साहिल है, समंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजह है कि हमारा आम आदमी बुनियादी सहूलतों से महरूम है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है।